आज इस वीडियो में हम इन्वेंट्री में सर्च शॉर्ट और शॉर्ट कैसे करते हैं और साथ ही साथ बल्क अपडेशन कैसे होता है वो जानेंगे। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपको अलग अलग फिल्टर्स दिए गए हैं। इन फिल्टर की मदद से आप इन्वेंट्री में इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल आइटम्स या सिर्फ रिक्वेस्टेड आइटम या जो आइटम मिनिमम और मैक्सिमम सेट नहीं है उस प्रकार से भी आइटम सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी आप यहां पर आइटम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहां पर ड्रग सिलेक्ट किया है और फिल्टर अप्लाई किया है तो जो मेडिसिन ड्रग कैटेगरी में आती है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। अब आप यहां पर मेडिसिन के लिए बल्क में ही मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां से लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपने मेडिसिन में कोई टैग दिया है तो उस टैग की मदद से भी आप यहां पर मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। जिस भी मेडिसिन में आपने यह टैग लगाया होगा वो मेडिसिन आपको यहां पर दिखेगी। उसी प्रकार आप यहां से एक्सपायर्ड अगले मंथ में होने वाले एक्सपायर्ड या अगले 2 महीने में होने वाली एक्सपायर्ड मेडिसिन का लिस्ट भी यहाँ से देख सकते हैं और स्टॉक में लो स्टॉक और हाई लेवल स्टॉक की मेडिसिन भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसी तरह मैन्युफैक्चरर वाइज भी आप यहाँ से मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर में आपको मैन्युफैक्चरर का नाम ऐड करके अप्लाई फिल्टर करना रहेगा जिससे उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की सारी आइटम यहां पर आपको दिखने मिलेगी और आप यहां से दूसरे सेटिंग्स भी कर सकते हैं। उसी तरह लोकेशन वाइज भी आप मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। जो मेडिसिन पर्टिकुलर लोकेशन में रखी हुई है वो मेडिसिन आपको यहाँ पर दिखेगी और मार्जिन वाइज भी आप यहां से मेडिसिन सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह इन्वेंट्री में फिल्टर्स का उपयोग करके आप मेडिसिन सर्च कर सकते हैं और बल्क में उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।